दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाले अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक करें अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन। आज इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप कैसे लिंक कर सकते हैं, अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है और आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके सीधा इस वेबसाइट पहुंच जाएंगे। या फिर आपको टाइप करना है गूगल में, आपको टाइप करना है ask.udi.government.in /has ये टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडियन रेसिडेंट और यहाँ पे आपको नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैं नॉन रेसिडेंट इंडियन पे क्लिक करूंगा तो ये जो दोस्तों यहाँ पे इंडिया के बाहर का है। तो यहाँ पे मैं इंडिया के अंदर का हूँ, मतलब इंडिया का हूँ, तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करेंगे इंडियन रेसिडेंट। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जो भी आप अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देना है। तो कैप्चर कोड चलिए डाल लेते हैं। आपको ध्यान से देखना है और कहीं भी मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो आपका जो आधार कार्ड है मोबाइल नंबर वो लिंक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देते, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और ओटीपी आने का वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओटीपी आने का वेट कर लेते हैं और ओटीपी आ चुका है। अब यहाँ पे ओटीपी डाल लेते हैं। तो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे क्या करना है, सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जाएगा यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है आपको, न्यू एनवायरमेंट और यहाँ पे अपडेट आधार, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अपडेट आधार पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेस्ट अपडेट। तो यहाँ पे आपको इस पर टिक रहने देना है और यहाँ पे अपना नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, जो भी आपका आधार नंबर है। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रेसिडेंट इंडियन सिलेक्ट रहने देना है। अब आपको यहाँ पे जो है अपना जो है जो भी चेंज करना है वो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बायोमेट्रिक। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर टिक कर देंगे। यहाँ पे टिक करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे को सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे साइट जो है बहुत से स्लो चल रहा है। ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर लेना है और यहाँ पे जो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए सब सबमिट पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 50 रुपये का पेमेंट बोल रहा है करने के लिए। तो यहाँ पे हमें पेमेंट करते हैं, मेक्स पेमेंट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सीधा रीडायरेक्ट कर देगा आपको UPI में लेके जाएगा। तो यहाँ पर चलिए वैलेट में जाते हैं अपने, यहाँ पे पेटीएम में करते हैं और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद जो है UPI के थ्रू हम पेमेंट कर लेते हैं। चलिए फटाफट से पे करते हैं, इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ पे करने के बाद। तो जो मेरा पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोसीड हो चुका है, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे जो है आपको एक जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा 15 सेकंड वेट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको एक जो है रिसीविंग मिलेगा आपको। तो कंप्लीट हो रहा है आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और आपका जो है आपको एक नंबर मिलेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको एक नंबर मिल गया है और आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको गो टू डैशबोर्ड नीचे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एनवायरमेंट नंबर आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको देखते हैं लिखा हुआ है डाउनलोड एनवायरमेंट नंबर, आपको ये PDF में रहेगा, इसको डाउनलोड करके आपको रिसिप्ट रख लेना है। 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपका मोबाइल नंबर वो आपका चेंज हो जाएगा और आपका मोबाइल नंबर दूसरा हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो आपको नया वाला मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। दोस्तों बस आज की वीडियो में बता दें, जय हिंद, वंदे मातरम।